एक बार मकबूल फिदा हुसैन ने, जब वो 19 वर्ष के थे और इंदौरी में रहते थे, तो अपनी साइकिल उठाई और मार्केट की तरफ चल दिए। साइकिल को एक पेड़ के साथ अटका के सीट निकाली और कलर बॉक्स लेकर बैठकर लैंडस्केप बनाना शुरू कर दिया। एक राहगीर अजनबी इंसान उधर से जो जा रहा था, वो रुका, उसने हुसैन साहब की पेंटिंग को देखना चालू किया। वो जैसे ही उन्होंने पेंटिंग शुरू की थी और ख़त्म की, तो वो राहगीर ने हुसैन साहब को कहा, तुम तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो, क्या ये पेंटिंग मुझे दोगे? इससे पहले कि मकबूल फिदा हुसैन कुछ जवाब दें, उस राहगीर ने अपनी जेब से 10 रुपये निकाले और उनके हाथ में थमा दिए। मकबूल फिदा हुसैन को उस वारदात से बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ और उनको लगा कि उनकी पेंटिंग बिक भी सकती है। 20 साल की उम्र में हुसैन साहब मुंबई चले गए और उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला ले लिया, जिसमें उनकी सहायता रजा साहब ने बहुत की। और रजा साहब ने जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनाया था, उसमें भी हुसैन साहब को जोड़ा। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक उनको बम्बई में मिला। शुरू शुरू में हुसैन साहब गुजारे के लिए कम पैसों में सिनेमा के पोस्टर बनाते थे, जो वो इंदौर में भी करते थे। इंदौर में रीगल सिनेमा के पोस्टर बनाते थे और रात को अगर लेट हो जाते थे तो पोस्टर के नीचे ही टाट बिछाकर वहीं सो जाते थे। इसी प्रकार बम्बई में पेट भरने के लिए उन्होंने पोस्टर बनाने के अलावा दूसरे भी कई काम किए, जैसे खिलौनों की फैक्ट्री में खिलौने बनाने लग गए। उनकी पहली पेंटिंग एग्जीबिशन होने के बाद हुसैन बहुत लोकप्रिय हो गए। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते दुनिया भर में हुसैन की धूम मच गई। एक किस्सा और, 1960 के आसपास हैदराबाद में एक पेंटिंग की एग्जीबिशन के लिए वो गए, तो पेंटिंग को रस्सी से बांधकर टैक्सी के ऊपर रखकर सवेरे सवेरे 5 बजे एयरपोर्ट जा रहे थे। रास्ते में रस्सी टूट गई और हवा में उड़ गई पेंटिंग, और उन्हें मिली नहीं। ठंड का टाइम था, रात का समय था और सुनसान था, हवाई जहाज उड़ने वाला था। हुसैन साहब ने पेंटिंग को छोड़ा और हवाई जहाज पकड़ा और बगैर पेंटिंग के बहुत ही दुखी मन से बम्बई पहुंच गए। 4 महीने बाद उन्हें एक टेलीफोन आया के मुंबई घर में किसी इंडियन एयरलाइंस के अफसर का ये टेलीफोन था। नहीं रखते और उनको हमेशा संकट डालने में ही उतावले रहते हैं।
मुक्ति बोध भारत के प्रसिद्ध कवि थे और आपको बताऊं वो भी मध्य प्रदेश के थे। मकबूल फिदा हुसैन उनके बेहद बड़े प्रशंसकों में से एक थे। उनकी कविताओं को पढ़कर वो बहुत ही इंस्पायर होते थे। उनकी हमेशा ये तमन्ना रही कि वे मुक्ति बोध से मिलें, परंतु देखिए बैड लक देखिए कि जब वो मिले तो मुक्ति बोध अपनी आखिरी सांस ले चुके थे और नई दिल्ली के अस्पताल में 1965 की मई में उनका देहांत हो चुका था। हुसैन नंगे पांव गर्मियों के अंदर डामर की रोड पर दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार में पूरा रास्ता गए और उनको लगा कि ये मेरा एक तरीका है उनको ट्रिब्यूट देने का। हालांकि उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि वो उनके इतने प्रिय कवि मुक्ति बोध से मिल नहीं पाए। एक कलाकार के तौर पर हुसैन साहब को सबसे पहले 1940 के दशक में ख्याति मिली। 1952 में उनकी पहली एकल प्रदर्शनी वन मैन शो जर्मनी के ज्यूरिक में हुआ। उसके बाद अनेक प्रदर्शनियां एग्जीबिशंस यूरोप और अमेरिका में भी हुए। एक साल बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई, उसका नाम था थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर, चित्रकार की दृष्टि में। यह फिल्म बर्लिन उत्सव में दिखाई गई और उसे गोल्डन बियर का पुरस्कार भी दिया गया। देश आजाद हुआ। युवा पेंटर के रूप में एमएफ हुसैन बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की राष्ट्रवादी परंपरा को तोड़कर कुछ नया करना चाहते थे। उसके बाद तो यूरोप और अमेरिका में उनकी पेंटिंग्स की वो वाहवाही हुई और जोर शोर से उनकी नाम का चर्चा होने लगा। वर्ष 1966 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। 1971 में साओ पाउलो समारोह में उन्हें पाब्लो पिकासो के साथ खास तौर पर बुलाया गया। 1973 में हुसैन साहब को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1986 में 1986 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। 91 में आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जब वे 92 ईयर्स के थे तो उन्हें केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कार दिया। पुरस्कारों की तो हुसैन साहब पे वर्षा होती थी। क्रिस्टी ऑक्शन में उनकी एक पेंटिंग 20 लाख अमरीकी डॉलर में बिकी। इसके साथ ही वो भारत के सबसे महंगे पेंटर बन गए। लेकिन इसके बावजूद भी हुसैन साहब कभी कभी विवादों में भी गिर जाते थे। भारतीय देवी देवताओं पर बनाई उनकी कई कृतियां भारत के कई राज्यों में विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों को पसंद नहीं आई, प्रदर्शन भी हुए और बवाल यहाँ तक बढ़ा कि इस महान कलाकार को 2006 में हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा और लंदन जाकर बस गए। लेकिन एक वाक्य का जिक्र किए बगैर इस बेजोड़ कलाकार हुसैन की दास्तान अधूरी रहेगी। तो मैंने सवाल पूछा था कि घोड़ा उनकी जिंदगी में, उनकी पेंटिंग में कहाँ से आया। तो उन्होंने बताया क्योंकि वो बोहरा कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और बोहरा कम्युनिटी में मुहर्रम बड़े जोश से और बड़े बहुत एहतराम से मनाया जाता है, तो बचपन से ताजियों और घोड़े में उनकी दिलचस्पी थी और घोड़ा उनको हमेशा अट्रैक्ट करता था, उसका चाल ढाल उसका एटीट्यूड उनको पसंद करता था। लेकिन फिर जो दुनिया का चक्कर उन्होंने लगाया, जापान गए, चीन गए, वहाँ के घोड़े देखे, अरब के घोड़े देखे, यूरोप के घोड़े देखे, इंडिया के घोड़े देखे, तो उन्होंने एक सब मिलाकर एक घोड़ा बनाया। तो उनका कहना था उनका घोड़ा पुरकशिश इसलिए लगता है कि वो घोड़ा कोई एक घोड़ा नहीं है, वो एक मल्टीनेशनल इंटरनेशनल घोड़ा है, इसलिए उसकी अलग पहचान बनती है। एक बात तो बहुत दिलचस्प हुई थी कि उनके बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी वालदा को उन्होंने नहीं देखा, इसलिए जिंदगी में कभी उन्होंने पेंटिंग में अपनी वालदा की चेहरा नहीं बनाया।
तो मैंने भी उनसे कहा कि अजीब इतफाक है कि मैंने अपने वालिद को नहीं देखा। तो हुसैन साहब थोड़ा संजीदा हो गया, मतलब मियाँ देखिए ऐसा है कि एक बच्चे के लिए माँ बाप दोनों बहुत अजीज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन माँ की बात अलग होती है। कहें जब दिन भर से काम करके आप घर लौटते हैं तो माँ पूछती है क्या खाया, बाप पूछता है क्या कमाया, और बीवी पूछती है क्या बचाया। मैंने मजाक से पूछा और बच्चे, तो उन्होंने भी उसी तरह मजाक बताया, बच्चे पूछते हैं कहाँ छुपाया। दरअसल उनकी पसंदीदा अभिनेत्री थी माधुरी दीक्षित। 85 साल की उम्र में उन्होंने माधुरी को लेकर एक फिल्म बनाई, गजगामिनी। माधुरी की फिल्म हम आपके हैं कौन 1994 में बनी थी और हुसैन साहब ने उसे 87 बार देखा था, 87 बार देखा था। और माधुरी के ऊपर उन्होंने पेंटिंग भी पूरी सीरीज करी थी। माधुरी से आपकी जो मुलाकात पहली बार हुई थी वो फिल्मफेयर अवार्ड में हुई थी, जुहू में, जहां पे इनको बुलाया गया स्टेज के ऊपर और नाम चुनने के लिए कि हु इज द बेस्ट एक्ट्रेस, और इन्होंने जब पर्ची निकाली तो वो माधुरी की थी। और इनका दिल धक धक होने लगा तभी से माधुरी के लिए। माधुरी दीक्षित शादी के बाद कुछ सालों के लिए फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई थी, और जब वो 2007 में फिल्मों में वापस आई आजा नचले से, तो बॉलीवुड में फिर से उनको देखकर हुसैन साहब बड़े खुश हुए। हुसैन उन दिनों दुबई में रहते थे, उन्होंने माधुरी की फिल्म देखने के लिए दोपहर के शो के लिए दुबई का लेमसी सिनेमा पूरा अपने लिए बुक कर लिया। और हुसैन साहब का उनके साथ दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर हुई। इसी तरह हुसैन साहब को तब्बू हीरोइन भी बहुत पसंद थी, उन्होंने उसके लिए मीनाक्षी ए टेल ऑफ द सिटी 2004 में बनाई थी। कामयाबी उन्हें दोनों फिल्मों में नहीं मिली, लेकिन जिस तरह का सिनेमा उन्होंने बनाया और रंग दिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। इसके अलावा वे एक फिल्म विवाह की एक्ट्रेस अमृता राव के भी बहुत दीवाने हो गए थे। तो ये थे हिंदुस्तान के एक बेजोड़ कलाकार। इंडिया न्यूज और मध्य प्रदेश फाउंडेशन का आपको धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम देखा। नमस्कार।